मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया। हज़रत जाबिर की रिवायत है, अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ इमरातन फअता इमरातहु ज़ैनबा। हज़रत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह एक जगह पड़ी और आप आए और आपने अपने घर वाले हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाहु अन्हा से अपनी ज़रूरत की तकमील फरमाई। वो उस वक्त चमड़े की सफाई का काम कर रही थी। हज़रात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में इंसानी जज्बात ख़त्म नहीं कर दिए जाते हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कमाल ये होता है कि इंसानी तबई जज्बात के बावजूद अल्लाह ताला इस्मत का पहरा लगा देते हैं। हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने बयानुल क़ुरान में जहाँ पर हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी वाली आयात की तफसीर को लिखा है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलव्वस होने और इकदाम करने का हज़रत ज़ुलेखा ने इरादा कर लिया था और हज़रत यूसुफ़ ने भी कर लिया था। लौला अर्रा बुरहान रब्बी, जैसे रोज़ेदार को गुनाह की दिलचस्पी होती है, गुनाह की दिलचस्पी ख़त्म नहीं हो जाती है, ऐसे ही नबी को भी दिलचस्पी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन इस्मत का कमाल, तकवे का कमाल उनको उस गुनाह से रोक देता है। लवाज़िम बशरियत के साथ मिसाली नमूना बनाया जाना ये असल हकीकी कमाल है अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। तो इस रिवायत में हज़रत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तन्हाई की ज़रूरत को पूरा किया। द मैसेज मीडिया के तमाम सोशल चैनलों से जुड़े जैसे जोश, मोज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब।